अभी मुद्दा उठा इसराइल और फलस्तीन का, उठा नहीं। अब मोदी जी ने ट्विटर पर नोट करा, वी स्टैंड बाय इसराइल, वाई डोंट वी स्टैंड बाय वो फलस्तीन। फलस्तीन में मुसलमान है ना, मुसलमान के तो पीछे पड़ गए, क्यों नहीं है हाथ धो के। ऋषि सुनाक इंग्लैंड का पीएम, क्या लिखा उन्होंने, वी स्टैंड बाय इसराइल, वाई डोंट वी स्टैंड बाय फलस्तीन। भाई तो मैं तुम्हारे से बुरा, तुम जवाब दो मुझे, पूछे क्या पूछ नहीं रहे, क्यों पूछ नहीं रहे, जवाब क्यों, जवाब तो दो, बताओ तुम्हारे पापा क्या काम कर, रुक जाओ। व्हाई डोंट वी स्टैंड फॉर फलस्तीन, फलस्तीन में ऐसा क्या है, मुसलमान है फलस्तीन में, तो मोदी जी का क्या है कि इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। फलस्तीन के लिए भी नोट लिखते हैं, ट्विटर नहीं चलाते क्या, चलाओ ट्विटर, क्या नोट लिखा मोदी जी ने। आपके कितने साल हैं, कितने साल की उम्र है? मैं 16 का हूँ। 16 साल के हैं, ठीक है। आपने सवाल पूछा, अच्छा किया, ठीक है। आप कह रहे हैं कि क्यों फिलिस्तीन के साथ नहीं है मोदी जी, ठीक है, आपको क्यों लगता है फिलिस्तीन के साथ होना चाहिए, मुसलमान है भाई, आप क्यों होना चाहिए फिलिस्तीन के साथ, भाई पुअर कंट्री है भाई, होना नहीं चाहिए। इसराइल इसराइल रुक तो जाओ, इसराइल 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 पावरफुल कंट्री है, आपको पता इसराइल पावरफुल है टेक्नोलॉजी, तो पावरफुल कंट्री के साथ भी होते हैं वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, फलस्तीन को क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे फलस्तीन को, ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा। तो हम आपसे सवाल ये पूछ रहे हैं कि फलस्तीन, मेरी बात सुनो, तुम्हारा काम पता क्या है, क्वेश्चन को घुमा फिरा के पॉइंट पे लागे और उसी वहीं दाब दें, तुम जवाब नहीं दे सकते, तुम जवाब नहीं दे सकते। हाँ सुनाओ, फिलिस्तीन का समर्थन इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि वो आतंकवादी देश है, आतंकवादी हम कह रहे हैं, मुसलमान है ना वहाँ, वो आतंकवादी हो गए, मुसलमान तो आतंकवादी है ही, तुमने तो बना दिया मुसलमान को। अब इकबाल का केस आया, चलो मान ले सीएम योगी नहीं कुछ नहीं करता, पीएम कुछ नहीं करता, अब प्राइम मिनिस्टर है, क्या करा उन्होंने, मैं बताऊँ, 50 लाख का मुआवजा दिया, एक आदमी की जान 50 लाख से कंपेयर करोगे तुम, क्यों करोगे, हैं? अब आपने बोल लिया, अभी आप क्या कह रहे थे कि फिलिस्तीन का साथ क्यों दे रहे हैं, ठीक है, हमने बताया आतंकवादी संगठन है, हमने बोला, ठीक है, अब आप बताइए क्यों देना चाहिए उसका साथ, आप बताओ आप, बिकॉज़ दे विल पुअर कंट्री भाई, पुअर कंट्री है, उनके पास कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, ना आर्मी है ना कुछ है, तो तुम क्यों नहीं साथ देने उनका, तुम क्यों स्टैंड इसराइल के साथ स्टैंड कर रहे, जब इसराइल पे आर्मी है, उन पे अपने मिसाइल्स हैं, उन पे अपनी आर्मी है, सब कुछ है उन पे, तो फिर भी तुम फलस्तीन के साथ नहीं। हाँ, अल्लाह हू अकबर का नारा लगा रहे, इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इसकी 50 साल से बच्चे बच्चों को कत्ल करते आ रहे थे, वो जुल्म नहीं कर रहे थे क्या, वो जुल्म नहीं आया क्या भाई, इतना जवाब दो तुम पहले इस बात का, वो जुल्म नहीं आया क्या, 50 साल से वो जुल्म करते आ रहे थे फलस्तीन पे, वो जुल्म नहीं आया क्या, आज उन्होंने जवाब दे दिया उस बात का, वो जुल्म हो गया, उसका जवाब तो दो, ये सभी का इंटरव्यू लेना है, सुनना है, कुछ जवाब भी दोगे नहीं तुम, जब पूछ मोदी जी से मांगिए, मोदी जी को सवाल जवाब तुम कर रहे हैं, मोदी जी को जवाब दे हम, अरे तो मोदी जी प्रधानमंत्री है, जवाब मोदी जी देंगे कि हम देंगे, नहीं प्रधानमंत्री ने तो क्या दिया, जो कहना था प्रधानमंत्री को तो जो कहना था क्या दिया उन्होंने, समझ गए, पहले बताओ, जो इतने टाइम से बच्चे बच्चे पे जुल्म करते आ रहे थे, वहाँ मुसलमान है, वो जुल्म नहीं था क्या, बस तुम्हें तो पता सब कुछ है, वो जुल्म नहीं था क्या, तो कहो इस माइक में, हाँ था, आप सामने, यही गलत है, यही गलत है, यही गुंडा गलती है, ये इसी वजह से बदनाम होते हैं, इसी वजह से आप बदनाम होंगे, इसी वजह से आप लोग बदनाम होंगे, फिर आराम से सुनिए ना, हम तो करके भी बदनाम है, लोग बगैर करके भी बदनाम है, और वैसे भी बदनाम है, इसमें क्या हुआ है, मुसलमान तो झंडे पे खड़ा हुआ, समझ गए, जहाँ भी कुछ होगा मुसलमान कर रहा हो, आप किसके साथ खड़े हैं, फिलिस्तीन की इजराइल, आप किसके साथ, हम तो फिलिस्तीन के साथ खड़े, फिलिस्तीन के साथ खड़े, क्यों खड़े हैं, क्यों खड़े, हमारे मियाँ भाई है, मियाँ भाई हमारे मुसलमान है, मियाँ भाई है, बच्चों को कत्ल कर रहे थे, मैं कराने क्या, मरने के लिए बैठा हूँ, जीने के लिए बैठा नहीं होता, दुनिया में रहने के लिए नहीं बैठा होता, अल्लाह के लिए शहीद होने के लिए बैठा हूँ, वहाँ बच्चा गुल्ली डंडा नहीं खेलता, क्रिकेट नहीं खेलता, वहाँ बच्चा शहीद शहीद खेलता है, कि शहीद कौन होगा, वहाँ बच्चा गुल्ली डंडा नहीं खेलता, फिलिस्तीन में शहीद होने के लिए, हाँ शहीद होने के लिए बैठा हूँ, वहाँ बच्चा वहाँ गुल्ली डंडा बैट बॉल खेलने के लिए होता, कारोबार के लिए नहीं बैठा होता। आप कह रहे हैं कि फिलिस्तीन का साथ हम इस वजह से देंगे, अत्याचार हो रहा है मुसलमानों पे, ठीक है, 50 साल से आप बोलिए ना, आप कह रहे हैं अत्याचार हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, भैया रुक जाइए ना, आप कह रहे हैं मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है इस वजह से, ठीक है,
तब आप साथ में खड़े हुए हिंदुओं के, जब पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, अफगानिस्तान में हुआ अत्याचार, तब आप खड़े होते हैं? की बात है, अभी भी हो रहा 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 है। जवाब योगी जी दे नहीं रहे क्या? क्या नहीं हो रहा? मोदी जी देंगे, हम मोदी जी। अभी हमारे आपने आतंकवादी ठहरा दिया है, वहाँ कोई शख्स आने से आ नहीं सकते, यहाँ कोई जाने सकती है, तो बड़ी मुश्किल से वहाँ पे जाए। पाकिस्तान आतंकवादी तो ही है, आतंकवादी तो लोगों ने हिंदुस्तान में जितने लोग हैं मुसलमान को छोड़ के सभी कह रहा। आप क्यों नहीं बोलते हैं उसके खिलाफ? उसके खिलाफ जब वहाँ के लोग को आप यहाँ पे नहीं आने देते, आप आतंकवादी उनको क्यों कह रहे हो? क्यों नहीं कहेंगे आतंकवादी कह रहे हो आप लोग? वहाँ से अगर कोई यहाँ पे आने चाह रहा प्रेम है, आपने आतंकवादी उनका ठहरा, आपको प्रेम है क्या भाई? पाकिस्तान से प्रेम नहीं है हमें, हमें मुसलमान से प्रेम है, मुसलमान हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी रहेंगे, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी रहेंगे, पाकिस्तान से प्रेम नहीं है, मुसलमान से प्रेम है हमें। तो मुसलमान से प्रेम है तो कुछ भी करो, हमारा भाई है मुसलमान। अरे तो मुसलमान के नाम से क्या आतंकवाद फैलाया जाएगा? आतंकवाद को मिला रहे हम किसी का सिर? आतंकवाद नहीं है, कितना कतल हिंदुओं के साथ, हिंदुओं के साथ, हिंदुओं के साथ क्या भाई? हमारे चाचा देंगे, अभी आप ज्ञान दे रहे हो। अच्छा अच्छा, अब ज्ञान खत्म हो गया आपका? ज्ञान रुक जाओ ना, रुक जाओ ना, ज्ञान दो ना। इसी वजह से आपकी चाचा रुक जाओ, इन बच्चों को गलत पढ़ाया जाता है, इसी वजह से इनकी सोच आदी होती है, इसी वजह से ये कट्टरपंथी बनते हैं जाकर के, ठीक है? कह रहे हैं कि हम इस्लामिक कंट्री का कट्टरपंथी कौन बनता है? हम किसी को पकड़वाए के ला रहे हैं कि अल्लाह अकबर बोलो या श्री राम बोलो, तो हम कट्टरपंथी है? नाम पूछ पूछ के मारा जा रहा, इकबाल को मारा जयपुर के अंदर, प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी जी है। आप कह रहे हैं कि हम कट्टर, मोदी जी की, हमने नहीं कहा कट्टर है, हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी रहेंगे, हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जो हमारे साथ हो रहा वो देखो ना आप पाकिस्तान को क्यों बीच में ला रहे हैं? हिंदुस्तान में रह रहे, हिंदुस्तान रहो जी, बताओ। आप कह रहे हो कि कट्टरपंथी हमें क्यों कह रहे हो, ठीक है? इस वजह से कह रहे हैं कि आपने बोला कि हम फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, आपने भी तो बोला हम इसराइल का साथ दे रहे हैं, इसराइल का दे रहे हैं, तो फिर बात खत्म। एक बात सुनो, जब हिंदुस्तान में रहते हुए, जब आप हिंदुस्तान में रहते हुए इसराइल का, अरे एक मिनट, जब आप हिंदुस्तान में रहते हुए इसराइल का साथ दे सकते हैं, तो हम हिंदुस्तान में रहते हुए फिलिस्तीन का साथ नहीं दे सकते? देंगे फिलिस्तीन का साथ, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, जान दे रहे हैं, अपने अमूल का साथ नहीं दे सकते? अल्लाह अकबर बोल के मार रहे हैं लोगों को, अल्लाह अकबर बोल के मार रहे हैं। इतनी हिम्मत नहीं है वहाँ के लोगों में? वहाँ के लोगों ने कांड कर रखा है पिछले 50 साल से, जो उन्हें मारते हुए आ रहे हैं, बच्चे बच्चों को, छोटे छोटों को। जब कहाँ थे आप? जब पूछते हैं सवाल, जब कहाँ थे आप बताओ? मोदी जी गलत कर रहे हैं, तो मोदी जी को तो नाम, मोदी गलत, अरे तो नाम, सुनो तो मेरी बात, मैंने मोदी जी, अरे मैं ले रहा हूँ ना, अरे मैं बात कर रहा हूँ इसराइल और फिलिस्तीन की, आपने छेड़ी बात, तो जो मैं पूछ रहा हूँ बताइए, पिछले 50 साल से जब हो रहा था, जब आप कहाँ थे, जब आप पूछ रहे हैं बच्चों को मार रहे हैं, उससे पहले का मालूम है? उससे पहले का मालूम है? एक दो दिन पहले उन्होंने अटैक कर दिया, एक दिन उन्होंने पलट जवाब दे दिया, एक दो दिन पहले, तो उसका जो है अफसोस है आपको बहुत कि एक दो दिन पहले उन्होंने पलट जवाब दिया, 50 साल से पिछले दिन मरते हुए आ रहे थे। जब करिए आराम से, हम आपकी बात सुनेंगे, सुनो आराम से, एक ही बोल लो, आराम से बोल लो। क्या भाई, भाई क्या नाम है आप? मेरा नाम है माज। कितना कितने साल की उम्र होगी आप? 23। अच्छा भाई, आप बढ़िया बोल रहे हैं, ठीक है? ये बताइए कि आपने कहा कि मतलब कि इजराइल ने, इजराइल के साथ पहले फिलिस्तीन के साथ भी गलत किया गया, ठीक है? तो ये बताइए कि कह रहे हैं आप 50 सालों से गलत हो रहा है, उससे पहले आपको मालूम है हिटलर ने क्या किया था यहूदियों के साथ? वही बात, मेरी बात सुनिए आप, आपने पूछा आप किसके साथ हैं? हम फिलिस्तीनी के साथ हैं ना, वहाँ हमारे मुसलमान भाई पिछले 50 साल से मरते हुए आ रहे, ठीक है? तो इसमें जो है यहूदी और हिंदुस्तान कोई वो नहीं है, हम जो है मुसलमान के साथ है, पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं हम उनके साथ है, और किसी के साथ नहीं है। अरे भाई, यहूदियों के साथ क्या हुआ 50 साल पहले? हिटलर ने क्या किया था? हिटलर मुसलमान था क्या? तुम बता दो, क्या बता रहे हैं? सुनो फिर, सुनो सुनो सुनो, 60 लाख लोगों को मारा गया था यहूदियों को, चेंबर में गए चलता वो सलाउद्दीन अय्यूबी ने मारा था, मारा था कितने के लश्कर से मारा था, कितने लाखों का मारा था, कितने करोड़ों का मारा था, कुछ हजार के लश्कर से मारा था, 8 लाख लोगों को मारा था। हाँ, ये मुसलमान की पावर है, पावर में कितने थे, कितने का लश्कर था, ये बताओ आप, ये बताओ आप जवाब, आप मीडिया हो हमारे से सवाल पूछ रहे, अब आप जवाब दो। एक अकेला आदमी 100 के बराबर है, कुछ हजार के लश्कर ने कुछ लाखों के लश्कर का मुकाबला कर रहा था उसका। आप जान गए किस वजह से कट्टरपंथी का? कट्टरपंथी नहीं है, कट्टरपंथी नहीं है, ये इंसाफ है, ये इंसाफ है। जब तुम्हारे पे जुल्म करेगा तो ऊपर वाला खुद उसका जवाब देगा।
फिलिस्तीन में जुलम हो रहा था, सलाउद्दीन अय्यूबी बड़ा एक अकेला आदमी, उसने कुछ हजार के लश्कर थे, कुछ लाखों। हिटलर ने क्या किया था? हिटलर ने क्या किया? हिटलर को नहीं जानते हम, हम हिटलर को नहीं जानते। यही तो है कि मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। मणिपुर में भी तो हो रहा है, मणिपुर में जो हुआ उसके लिए किसे कहोगे? बहुत गलत हो रहा है, मोदी जी जिम्मेदार है। दिन भर तो फिर कहते क्यों नहीं? हाँ तो इसकी तुम कहना, मोदी जिम्मेदार, मोदी जी की ये बात है। देखो करो तो हमें सारी पता, जो यहाँ से निकलो तुम मोदी जी जिम्मेदार है हर चीज के। निकलो बस, निकलो, हम तो कहेंगे निकलो। हमारे पास हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है? हम बात करेंगे ना, हम बात करेंगे इजराइल की, हम बात करेंगे इजराइल की। अरे हम इजराइल की बात, आप कहाँ रह रहे? आप कहाँ रह रहे? आप कहाँ? हिंदुस्तान में रह रहा है। आप हिंदू? हम कहाँ रह रहे? हिंदुस्तान में रह रहा है। तो यहाँ की बात सुनो ना, बच्चों से जो पूछ रहे हैं कि इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन, यार हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ की बात करो ना। 200 साल की तुम्हारे से बात पूछ रहे हैं, जो मैं 8 दिन में दुनिया में आए हुए हो गए, तुम 200 साल पुरानी बात हमारे से पूछ रहे हैं? अरे रुको, क्यों ना पूछे, क्यों ना पूछे? यहाँ रुको, 100 साल पहले हम पैदा थे, हमारे पास पैसे आए, आपको कोई भी, आपको कोई भी, सुनो ना हिंदुस्तान, अरे सुनो ना, फालतू की बात। इसराइल और फिलिस्तीन का सवाल पूछोगे, यहाँ कोई जवाब नहीं देना, की बात करो। क्यों नहीं देगा? अभी तक तो आप दे रहे थे, हिटलर का सवाल किया, हिटलर का सवाल किया, हिटलर का जवाब किया। आप कहाँ रह रहे? कहाँ रह रहे हैं आप? हिंदुस्तान में रह रहे? नहीं, भारत में रह रहे? तो यहाँ की बात करो ना यार, बताओ। अरे रुको, बताओ बताओ, अब आप फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, इसराइल की बात कर रहे हैं? यार रुक जाओ यार, बताओ बताओ, बताओ तो, जब शांत हो जाना तब बात कर लेंगे। मैं शांत हूँ, मैं कोई। अब आप कह रहे हो भारत की बात करो, अब आप कह रहे हो भारत की बात करो, हिंदुस्तान की बात करो। हाँ बताओ, भारत की हम बात करेंगे, लेकिन सवाल इस वजह से उठता है ना, जब भारत, सवाल आपने उठाया, अरे हम उठा रहे हैं, बोल तो रहे हैं, तीन का आपने उठाया तो हम क्यों दे जवाब? हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ की बात करो। सवाल सुनोगे? जवाब मिल गया, सुन लो ना सवाल हमारा, पहले चुप हो जाइयो। लेकिन भारत, जब भारत की आप बात कर रहे हैं, तो भारत का क्लियर स्टैंड है, भारत के प्रधानमंत्री साथ में खड़े हुए हैं इसराइल के, और आप फिलिस्तीन का साथ देंगे, तो आपके ऊपर सवाल अंदर ही हम आए। सीधी बात यह है, जहाँ पर अरेस्ट होगा, जहाँ पे मतलब कहीं जुलम हो रहा, ज्यादती हो रही, हमारे प्रधानमंत्री जहाँ का समर्थन करेंगे, हम अपने प्रधानमंत्री के साथ मोदी के साथ है। सीधी बात तो ये है, चाचा भी गलत करेंगे। नहीं चाचा सही बोल रहे, मैं बता रहा, मैं बता रहा, चाचा सही बोल रहे। अगर आने वाले टाइम में कभी भी फिलिस्तीन से जंग होती है, सबसे आगे मुसलमान होगा हिंदुस्तान का, समझ गए? सबसे आगे हमारे हदीस में है कि अपने देश के लिए अपनी जान भी दे देंगे हम, समझ गए? ये है इसका जवाब लो। अच्छा एक जवाब और क्वेश्चन है आपसे, चाहे हमारे कितने ही मुसलमान है, कितने ही वही है, अगर हम कभी हिंदुस्तान से जंग होने लग गई, मुसलमान सबसे आगे रहेगा। अभी एक सवाल और है, बताओ। आपने कहा कि फिलिस्तीन के साथ गलत हुआ, उसका जवाब वो दे रहा, ठीक है, वहाँ पे कई हमारे भारतीय भी फंसे होंगे, उनके साथ अगर, उनके साथ अगर कुछ होता है तब भी आप बढ़िया जश्न मनाएंगे? हम क्यों मनाएंगे? मैंने आपको अभी, मैंने आपको अभी एक बात कही, मैंने अभी आपको एक बात कही, आप फिर फिलिस्तीन और इसराइल पे जा रहे हैं, आपको जाएंगे ना जवाब दे, क्यों जाएंगे आप? इस वजह से, क्योंकि आप सवाल अपने ऊपर सवाल खड़ा करवा रहे हैं, इस वजह से जाएंगे। कौन सा सवाल खड़ा करवा रहे? अरे भाई कोई सवाल नहीं खड़ा करवाया, कोई सवाल नहीं खड़ा, आपके ऊपर सवाल इसी वजह से उठते हैं, आपके ऊपर इसी वजह से शक करते हैं लोग।